खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्शकों को अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। क्रिकेट मैच देखने जाने वाले लोग अब नहीं देंगे टोल टैक्स। रायपुर में 21 जनवरी को होगा क्रिकेट मैच और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा ये मैच, और अब दर्शकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। जो लोग क्रिकेट देखने के लिए जाएंगे, लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंदिर हसौद मार्ग से स्टेडियम जाने वाले नहीं देंगे टोल। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये हो सकती है, क्योंकि अब जो लोग रायपुर में क्रिकेट मैच जो होने वाला है भारत न्यूजीलैंड के बीच, इस मैच को देखने के लिए जाने वाले हैं, ऐसे लोग अब टोल टैक्स नहीं देंगे। क्रिकेट मैच देखे जाने वाले लोग नहीं देंगे टोल टैक्स। रायपुर में 21 जनवरी को होगा क्रिकेट मैच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा ये मैच। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दर्शकों को अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। क्रिकेट मैच देखे जाने वाले लोग नहीं देंगे टोल टैक्स। 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला जाएगा, और इस मैच को जो लोग देखने जाने वाले हैं वो टोल टैक्स नहीं देंगे। तो रायपुर के राजीव भवन में पीसीसी की अहम बैठक हुई। बैठक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी पूर्व केंद्र मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पीसीसी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण और जिला प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक अरुण यादव का हमारे जिले के अध्यक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। 26 जनवरी से दो महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे, और इस दौरान केंद्र सरकार की नाकामियों और हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर लोगों के घर घर जाएंगे। जिन उद्देश्यों से को लेकर राहुल गांधी चल रही हैं, हम उन उद्देश्यों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी लोगों को बताएंगे। तो कांग्रेस की ये अहम बैठक है, क्योंकि दो महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, 26 जनवरी से इसका आगाज होने वाला है, और इसको लेकर बैठक आज महत्वपूर्ण हुई है। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता दी, राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक। भारत जोड़ो की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को कांग्रेस निकाल रही है। जिला प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जी लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा और दिशा निर्देश देंगे, और एक बृहद कार्यक्रम है। माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की नाकामियां, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे नुक्कड़ सभा, और हर घर जाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे और माननीय राहुल गांधी जी का संदेश भी बताएंगे। तो रायपुर राजधानी से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 160 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने 12 ठिकानों पर दबिश दी। आरोपियों के पास से 34 किलो गांजा जब्त किया गया। 60 से अधिक आरोपियों के पास से हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों में 20 हिस्ट्री शीटर हैं। सभी बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। बड़ी कार्रवाई राजधानी में की गई। 160 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और इन बदमाशों के पास से 34 किलो गांजा बरामद किया गया है। 60 से अधिक आरोपियों के पास हथियार भी मिले।
बड़ी कार्रवाई राजधानी की तरफ से ये की गई है। राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई रायपुर में की। 160 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद जुलूस भी निकाला। इन आरोपियों के पास से 34 किलो गांजा मिला है। 60 से अधिक हथियार भी, अवैध हथियार इन बदमाशों के पास से मिले। और आपको अहम बात बता दें यहाँ पर कि जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं 160 में से 20 हिस्ट्री शीटर हैं। 60 से अधिक आरोपियों के पास हथियार मिले, 34 किलो गांजा बरामद किया गया और कई ठिकानों पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और इन ठिकानों से 160 बदमाश पुलिस के गिरफ्त में है। 12 ठिकाने पुलिस की गिरफ्त में 160 बदमाश आ चुके हैं और इन बदमाशों के 12 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि 34 किलो इन बदमाशों के पास से गांजा भी बरामद हुआ है। 60 ऐसे बदमाश जिनके पास अवैध हथियार भी था, 12 ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त में ये सभी आरोपी हैं और इसमें से 20 तो हिस्ट्री शूटर भी हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं और जगह जगह चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस बार हर हाल में छत्तीसगढ़ सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। वहीं जगह जगह सरकार को घेरने के लिए मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के आवास के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। तो कुछ ही महीने में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही ताकि वो सत्ता में होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय आएगा जब हमें हमारे भू अधिकार स्वामित्व का पट्टा भी मिलेगा और हमारा मकान भी बनेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल छाप की सरकार को आप लोग बना करके यहाँ पर भेजेंगे। ये प्रदेश में हर समाज अपने आप में ठगे से महसूस कराते, चाहे ओबीसी समाज के 27% आरक्षण के विषय हो, चाहे आदिवासी समाज के 32% आरक्षण के विषय हो, चाहे हमारे सिख समाज के 16% आरक्षण के विषय हो, चाहे समाज में 10% केंद्र सरकार के माध्यम से आरक्षण के विषय हो। माननीय भूपेश जी, हम आप लोग पूछना चाहते हैं, भानु प्रतापपुर के विधानसभा के चुनाव के समय आप विधानसभा में मुख्य रूप से जो सरकार ने जनता से वायदा करके सत्ता में आई है, उन वायदों को सरकार ने कितना पूरा किया। यदि हम आधी अधूरी कर्ज माफी और चार किस्तों में 400-500 रुपए की बोनस की बात को छोड़ दें, तो इस सरकार के द्वारा 36 बिंदुओं पर जो वायदे करके सरकार में आई थी, उन बिंदुओं का यदि हम मूल्यांकन करेंगे, तो चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में गरीबों को 2022 तक छत प्रधानमंत्री आवास प्रदान करना था, लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार जो अपने राज्यांश का 40% उन्हें देना है वह गरीबों को नहीं दे रही है और केंद्र सरकार से लगभग अभी हमारे पूरे प्रदेश में 15 लाख आवास को वापस किया गया है। इसी विषय को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। एक तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको उन्होंने पूरी तरह से काट दिया है, उससे महिलाएं और जो आवास बनाने आवास के लिए जो काम होना था, बहुत दुखी हैं लोग। सरकार ने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो नौजवान जो हैं या तो उनको रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो काम नहीं हुआ। कम तनख्वाह वाले जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह को मजबूत किया जाएगा, ये बात कही गई थी, वो नहीं है। रेडी टू ईट जो है वो महिलाएं बनाती थी, वो सबको काट करके किसी एक कंपनी को
ठेके में दे दिया गया। सारी महिलाएं, एक रोजगार तो नहीं था, वो एक सेवा का काम था, वो सब खत्म हो गया है। नौजवान बेहाल हैं, यहाँ पर धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है सब जगह, और सब समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से स्कूली छात्रों के लिए युवा सांसद प्रतियोगिता। रायपुर संभाग में 27 जनवरी से शुरू होगी ये प्रतियोगिता। विकासखंड में 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक होगा आयोजन। जिले में 6 से 15 फरवरी तक होगा आयोजन। संभाग में 18 से 25 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो युवा सांसद प्रतियोगिता के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जहां स्कूली छात्रों के लिए अब युवा सांसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रायपुर संभाग में ये जो आयोजन है वो 27 जनवरी से होगा। जिले में 6 से लेकर ये आयोजन किया जाना है स्कूली छात्रों के लिए युवा सांसद प्रतियोगिता। रायपुर में 27 जनवरी से ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। विकासखंड में 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। संभाग में 18 से 25 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। विकासखंड में 27 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा आयोजन। तो राजनंदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी गठन के बाद पहला आगमन हुआ। नगर के प्रमुख स्थान अंबेडकर चौक बस स्टैंड में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का सभी पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सांसद ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आगामी समय में सक्रियता से काम करने को कहा। साथ ही धान खरीदी में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि पर चर्चा की। डोंगरगढ़ खैरागढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा तक जो नई रेल लाइन की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केंद्र और राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई थी, उसे भूपेश सरकार ने किस राजनीतिक द्वेष के कारण रोक रखा है, ये बड़ी बात कही गई। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने से कई सेवाएं प्रभावित। ओपीजी और इमरजेंसी सेवाओं पर इससे काफी असर पड़ेगा। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। देश भर के 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। तो प्रदेश भर में के कुल 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं और इससे कहीं ना कहीं सेवाएं काफी प्रभावित होने वाली है। ओपीजी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित होंगी, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ये जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो ये अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं करेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ही हड़ताल कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। तो बीजापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने जिले में चल रहे माओवादी विरोध अभियान के तहत जरपल्ली जनताना सरकार के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्माराम चिंतावाड़ू कैंप पर फायरिंग करने की घटना में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। तो इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी जारी। 26 जनवरी से शुरू होने जा रही है ये यात्रा। अभियान को लेकर आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में हिस्सा लेंगे। जिला पर्यवेक्षकों की लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज 26 जनवरी से हो जाएगा। 2 महीने तक ये यात्रा होने वाली है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से तैयारी जारी है। एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें भी
की गई है, कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है और आगे के इस यात्रा को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। 26 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली, अभियान को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में 26 जनवरी को ग्राम सभाओं का होगा आयोजन। पंचायत संचालन ने कलेक्टरों को जारी किया है परिपत्र, ग्राम सभा की गतिविधियों को अपलोड करने के निर्देश दिए। वाइब्रेंट ग्राम सभा और GDPI पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए गए। तो प्रदेश में 23 जनवरी को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत संचालनालय के द्वारा यह आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा का गतिविधियों को अपलोड करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 23 जनवरी को यह आयोजन होगा, इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। ग्राम सभा का गतिविधियों को अपलोड करने के निर्देश दिए गए। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, धान खरीदी का पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। अब तक 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 22.72 लाख किसानों ने बेचा है धान। किसानों को 21,006 करोड़ रुपए का भुगतान। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स ने किया है धान का उठाव। साथ ही 78 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ है उठाव। 31 जनवरी 2023 तक चलेगी धान खरीदी। तो धान खरीदी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान का उठाव बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुआ है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। 21,006 करोड़ का किसानों को धान का भुगतान भी हुआ। साथ ही धान खरीदी का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब तक 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रायपुर से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ दौरा। 20 जनवरी को आएंगी रायपुर, कांग्रेस के विभिन्न बैठकों में होंगे शामिल। तो आपको बता दें कि कुमारी शैलजा 20 जनवरी को आने वाली हैं और इसको लेकर कांग्रेस के विभिन्न बैठकों में वो शामिल भी होंगी। आपको बता दें कि 20 जनवरी को वो रायपुर आएंगी और जो कांग्रेस की तरफ से विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाने वाला है, उस बैठक में भी कुमारी शैलजा शामिल होंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, जो रायपुर 20 जनवरी को आएंगी और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से तमाम बैठकों का आयोजन भी किया जाने वाला है। अलग अलग बैठकों का दौर भी कांग्रेस की तरफ से शुरू होगा और इन बैठकों में शामिल होंगी कुमारी शैलजा। बीस जनवरी को आएंगी रायपुर और कांग्रेस के विभिन्न बैठकों में होंगी शामिल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ दौरा। 20 जनवरी को आएंगी रायपुर, कांग्रेस की विभिन्न बैठकों में होंगी शामिल। 20 जनवरी को कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर है और इस दौरान वो कांग्रेस की तरफ से आयोजन किए जाने वाले बैठक में भी शामिल होंगी। तो रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी में स्थित ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर गढ़ा से रायपुर में कथा का वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्य दर्शन के लिए 300 लोगों को इनवाइट किया गया है। उनके विरोधियों का कहना है कि ये लोग जो 300 लोग हैं वो इन्हीं के अपने हैं, जिन पर वो चमत्कार भी दिखाते हैं। इस सवाल को लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हम तथाकथित लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हम अपनी सभा में सभी को बुलाते हैं, कौन आता है कौन नहीं आता है ये हम नहीं जानते। Yeah.
उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए। अंधश्रद्धा इतना दुबला बना, आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते हैं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज कईयों की जिंदगी बदल दी है। पहले जहां निम्न वर्गीय परिवारों के पास खुद का मकान नहीं था, उनके लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। बता दें कि जिले में इस योजना के अंतर्गत हजारों लोगों को लाभ दिया जा चुका है। नंतेवाड़ा के बालू चोड़ी पारक की रहने वाली राघोबाई का जीवन भी इस योजना ने बदल दिया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनके बेटी बहू और नाती पोते हैं। उन्होंने साल 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। वे इस प्रधानमंत्री आवास में खुशहालपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो खुज्जी विधानसभा में बीजेपी की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोर आवास मोर अधिकार को लेकर किया गया था। इस दौरान बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बनने के लिए भूपेश सरकार को दोषी ठहराया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नंदकुमार साय, प्रथम नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पादरी को भी सदस्य बनाया, इससे पता चलता है कि सरकार की योजना है, सरकार का जो रुचि है वो क्या है। धमतरी के बदल में 58 गांव के साहू लोग ईसाई थे। हमारे मित्रों ने सब बात सभा में भी बताया और अलग अलग जगहों में समन्वय समिति की बैठक, और ये धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण पहले भी किए हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से उपजी है, आंदोलन करती है, चाहे कश्मीर के लिए हो, चाहे 370 के लिए हो, चाहे गरीबों के आवास के। करते करते सब्र का बांध टूट चुका है और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अलग अलग विषयों पर धोखा खाते खाते छत्तीसगढ़ की सरकार की गली खुल चुकी है। इनके विधायक से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है तो सिर्फ ईडी के नाम से। जो आवास के वंचित लोग थे, जिनको कि आवास नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्टी ने यह डिसीजन लिया था कि हमको विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करके लोगों की आवाज़ को सामूहिक रूप से उठाना है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह कार्यक्रम किया, जो कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।